सभी दर्शक बंधु को आलोक राजकोर से झारखंडी जोहार है, नमस्कार है और आरएसबी मल्टीमीडिया रिकॉर्डिंग स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज हम जानने का प्रयास करते हैं जो रिकॉर्डिस्ट है दीपक उरांव जी, उनसे मिलाते हैं और कहां कहां से सिंगर लोग आए हैं उनसे भी बात करते हैं। तो आइए मिलते हैं भाई लोग से, जानते हैं कि कहाँ कहाँ से आए हैं भैया जी। मोहटोली कौन जिला पड़ता है? गुमला जिला। अच्छा, गुमला जिला से। अच्छा, कौन सॉन्ग लेकर आए हैं? ये सरल धुरिया सॉन्ग है। सरल धुरिया सॉन्ग है, तो पहले भी गाए हैं? ना, पहली बार हम लोग तो पहली बार आए हैं, पर से बहन आई है उसको गाए। हाँ, वो तो उनको तो जान रहे, दीदी को पहले भी हम लोग का चैनल में कितना गा चुकी है। लेकिन आप लोग समझाना चाहेंगे कि ये गाना गाने का मतलब जो इच्छा है या फिर गीत संगीत के बारे में कैसे, मतलब पहले से रुचि था, इंटरेस्ट था या फिर किस तरह से लगाव है? रुचि तो था, एक बचपन से मेरे को था, मगर लिखते थे कुछ ना, फिर मेरे को किसी से कोई संपर्क नहीं था। तो यूट्यूब में देखे ना आपका चैनल। अच्छा, हम रोज देखते थे तो मेरे को भी रुचि आया कि जाके हम भी कुछ गाना दें। तो मतलब गाने का इंटरेस्ट पहले से था लेकिन कोई ऐसा लिंक लगाव नहीं मिल रहा था कि हम कहाँ गाएं। तो आप देखें कि आरएसबी मल्टीमीडिया में डेली नया नया लोग जाके गाते हैं, तो इसलिए आज गुमला से चल के यहाँ तक आए। अपना नाम भैया बता दीजिए। मेरा नाम है रामधनी भगत। रामधनी भगत। गाँव है कोई पार्ट बड़काटोली। बड़काटोली तो गुमला जिला से है ना? घाघरा प्रखंड। अच्छा, घाघरा प्रखंड पड़ता है आपका दादा? मेरा भी कोई पार्ट महुआटोले और घर पर खंड। अच्छा अच्छा, तो आप भी गीत संगीत? अच्छा, आप पारा शिक्षक में हैं, बहुत अच्छा बात है कि आप पारा शिक्षक में होते हुए भी आप गीत संगीत और जो हमारा कल्चर जो विलुप्त होते जा रहा है उसको बचाने के लिए आप लोग सहयोग एक तरह से कर रहे हैं। काहे कि इस तरह का जो युवा लोग है अभी का, वो तो आधुनिक गाना और डीजे और रैप सॉन्ग सब में नाचते देखते हैं, लेकिन आप लोग अपना कम से कम संस्कृति और कल्चर के बारे में इतना सोचे और वहाँ से लोहरदगा जिला आए गुमला से चल के, काफ़ी धन्यवाद के पात्र हैं आप लोग जो कि समाज के बारे में सोच रहे हैं। और जो लोग देख रहे हैं आप लोगों को, गांव घर के लोग, उन लोगों को कुछ संदेश देना चाहते हैं जो भाई बंधु हैं जो भूलते जा रहे हैं गीत संगीत को, हमारा पूर्वज का जो गीत संगीत है, तो उन लोगों को कुछ बोलना चाहेंगे आप लोग? बोलिए, लोगों को बताइए, उन लोगों को कुछ संदेश दीजिए। तो आप लोग को यानी संदेश हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। यानी कहने का मतलब हमारे लोग का संस्कृति बहुत पहले थी और आज विलुप्त होते जा रही, इसलिए हम लोग इस संस्कृति को बचाने के कामना से हम लोग इस YouTube चैनल में बहुत लगाव और कोशिश जारी है और आगे और बढ़ने की कोशिश करेंगे। चलिए, बहुत अच्छा। और भैया जी, आप लोग कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ, मैं भी कहना चाहता हूँ कि अगर कोई भी सिंगर अगर कुछ अपना जलवा दिखाना चाहते हैं, अपना रुतबा दिखाना चाहते हैं, इच्छुक हैं, अपना टैलेंट ही दिखाना चाहते हैं, तो आए और अपना यहाँ टैलेंट दिखाएं कि लोग जाने और अपना जो संस्कृति है उसको बचाने की चेष्टा करें। चलिए, बहुत अच्छा सोच है समाज के प्रति आप लोगों को, और इसीलिए आप लोग उतना दूर से चल के यहाँ आए। दीपक उरांव जी बताएंगे कि आज के सॉन्ग के बारे में। सभी को जोहार। अभी भैया लोग से पहचान हुआ कि लोग गुमला जिला के रहने वाले हैं। गांव भैया हम कोई पार्ट बड़काटोली से आए हुए हैं, काफी दूर है, और उधर पुराना सिंगर है जिसको देखे होंगे, सुमति उरांव के नाम से जाना जाता है। इसका भी गाना, एक दो गाना हिट हो चुका है, आप लोग सुने हैं देखे होंगे, काफी अच्छा गाते हैं। फिर आज आरएसबी स्टूडियो धुरिया सॉन्ग लेकर आए हैं, अभी रिकॉर्डिंग शुरू हुआ है और कहीं भी कमी होता है उसको कमेंट में बताइए ताकि दीदी ने सुधारे और आप लोग के बीच अच्छा गाना लाएं और गाएं। बस इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों को, तो अभी आप लोगों को मिला है आरएसबी मल्टीमीडिया रिकॉर्डिंग स्टूडियो के रिकॉर्डिस्ट दीपक उरांव जी से, और सॉन्ग के बारे में जाने और जो गुमला जिला से भाई लोग चल के आए हुए हैं उनसे आप लोगों को बात कराए, और इनसे भी बात कराते हैं जो सिंगर है आज की जो गा रही है। कौन सा सॉन्ग है दीदी, बताइएगा? सरहुल धुड़िया सॉन्ग है ना? अच्छा, इससे पहले भी तो आपका सॉन्ग यहाँ से काफ़ी अच्छा चला। अच्छा, चलिए, आप लोग का नाम भी धीरे धीरे लोग अब जानते जा रहे हैं और पहचान भी आप लोगों का अब कम नहीं रह गया है। तो दोस्तों, आप लोगों का भी मिला है। तो दीदी, जो गाना धुड़िया सॉन्ग है,
तो थोड़ा सा चला एक आध लाइन सुना दीजिए जो दर्शक बंधु लोग देख रहे हैं उनको। तो दोस्तों अभी आप लोगों को मिला है जो गुमला जिला से चल के आए हुए हैं, उन्हीं का सॉन्ग तैयारी हो रहा है और ये भैया लोग का सॉन्ग बहुत जल्द आप लोगों को देखने व सुनने के लिए मिलेगा। आप लोगों ने ध्यानपूर्वक इनके बातों को सुना, मेरे बातों को सुना, इसलिए आप सभी दर्शक बंधु, जितने भी भाई बंधु लोग, संगीत प्रेमी लोग RSB चैनल को देखते हैं और देख रहे हैं, उन्हें तहे दिल से आलोक राज की ओर से झारखंडी जोहार है, नमस्कार है। फिर से अगला वीडियो के लेके मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी दर्शक बंधु को बाय बाय।